किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के एक उन्नत संस्करण का औपचारिक रूप से उद्घाटन बुधवार को आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरूनगर अंजोरा बाईपास रोड के पास दुर्ग में किया गया, जिसे रोगियों के बैकलॉग को दूर करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के शुभारंभ अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। किडनी हमारे शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और किडनी की खराबी व बीमारी से ग्रसित मरीजों को उपचार व किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काफी भटकते भी देखा जाता है। यही कारण है कि किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की प्राथमिकता प्रायः सभी शहरों में होती है। तो अब हमारे अपने जिले दुर्ग में एक अत्याधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होने जा रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि अपने बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के लिए पहचाने जाने वाले आरोग्यम हॉस्पिटल में अब एक और यूनिट का शुभारंभ बुधवार को किया गया। जी हां, नेहरू नगर अंजोरा बाईपास स्थित आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ विधिवत किया गया। यहां दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व साथ ही डॉक्टर श्रुतिका यादव की गरिमामय उपस्थिति में विधिवत फीता काटकर यूनिट का शुभारंभ किया गया। सभी देवी देवताओं की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, माता भगवान की जय। भगवान की जय। जी भगवान की जय। बता दें, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में मरीजों के लिए विशेष चिकित्सकीय व्यवस्थाएं की गई है। डायलिसिस सहित सभी व्यवस्था इस यूनिट में मरीजों के लिए की गई है। आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुभारंभ अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने इस यूनिट का निरीक्षण किया। अच्छा, ये बहुत सर, ये बेसिकली आईसीयू है, नॉर्मल आईसीयू से ये डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली एक आईसीयू में क्या होता है, 10 से 12 बेड होते हैं। यहाँ पे किडनी से रिलेटेड हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया में कोई भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। जो भी हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी या एक डेडिकेटेड यूरोलॉजी का काम कोई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं ओनली किडनी। तो उस पार्ट में रहेगा, जब वो उसके बाद रिकवर हो जाएगा तो भी फिर उसको मॉनिटरेशन में रखा जाएगा। तो ये वन बाय वन स्टेप डाउन जैसा हमने करना है, कंप्लीट फॉर किडनी एक अच्छी जगह होगी। जैसे पेशेंट के साथ आरोग्यम हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट शुभारंभ अवसर पर पहुंचे अतिथियों का स्वागत अस्पताल प्रबंधन के द्वारा शॉल और श्रीफल देकर किया गया। अतिथियों ने इस यूनिट के शुभारंभ पर शुभकामनाएं देते हुए आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उत्तरोत्तर तरक्की की कामना की, साथ ही हॉस्पिटल की भूरी भूरी प्रशंसा दिल से करी। ये हमारे मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवीन दारुका जी बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और जितने अच्छे चिकित्सक हैं उतने अच्छा उनका नेचर भी है, और उनसे एक बार कोई मिल ले तो मैं समझता हूँ कि उसकी तकलीफ ऐसे भी दूर हो जाती है, और जब यहाँ इलाज होगा तो ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होकर ही जाएगा। बहुत ही अच्छा स्थल है ये, मतलब स्वस्थ होने के लिए हमको पहले बाहर जाना पड़ता था, यहाँ के निवासियों को रायपुर और दिल्ली बॉम्बे। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य है वो यहीं पर संपादित होगा और यहाँ के कुशल चिकित्सकों के द्वारा। मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
और ये कामना करता हूँ कि जो यहाँ पर पेशेंट के रूप में आएगा वो स्वस्थ होकर ही जाएगा। आरोग्यम हॉस्पिटल की पूरी संस्था को मैं खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा, डॉक्टर साहब को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से फोकस्ड करके किडनी ऑर्गन पर हम लोगों ने के यहाँ पर ये यूनिट खुला है, ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा यूनिट है और इस यूनिट के माध्यम से केवल छत्तीसगढ़ नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसपास के प्रदेशों से भी मरीज यहाँ पर आकर लाभान्वित हो पाएंगे। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मेडिकल्स में हम लोग अब मेडिकोज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स इस तरीके के भिलाई और दुर्ग में सेंटर बन रहे हैं। हमारा हम लोग सबका ये प्रयास है कि आने वाले समय में इस तरह की संस्था, आरोग्यम संस्था, इन सभी को और जो भी हम लोग अपनी तरफ से भी शासन से सहयोग कर सकें ताकि ये और बढ़ें और जन सेवा के इस स्वरूप को मूल रूप दे पाएँ, काम कर पाएँ। और ये एक प्रोसेस है, मुझे लगता है जिस थॉट प्रोसेस से आरोग्यम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ सालों बाद वो पूरे भारत का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट का सेंटर बनेगा। और यहाँ की विशेषता ये है कि इनका जो ये पूरा यूनिट इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा हुआ है कि आपातकालीन व्यवस्था के साथ सारी चेकअप की पॉसिबल टीज जितनी भी ज़रूरतें हैं उसकी वहाँ पर यूनिट्स हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांट का है इसका सेपरेट ICU है ताकि इन्फेक्शंस से बचाया जा सके मरीजों को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिक दिखी जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब हम दूसरे स्टेट्स के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बढ़ रहे हैं आगे, और उनको टक्कर देने की बात नहीं, बढ़ रहे हैं आगे, ये मैं कहूँगा। आरोग्यम परिवार को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दुर्ग शहर में डॉक्टर नवीन दारुका द्वारा आरोग्यम हॉस्पिटल में आज किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नए ICU का हम लोगों उद्घाटन किए, और ये किडनी पेशेंट्स के लिए अपने आप में एक वरदान है पूरे छत्तीसगढ़ में ये हॉस्पिटल, कि जो रायपुर के पेशेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं और किडनी का संपूर्ण इलाज, चाहे ट्रांसप्लांट हो चाहे छोटी मोटी बीमारी हो, सभी प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांट के यहाँ, किडनी से संबंधित सभी इलाज यहाँ होते हैं। मैं डॉक्टर दारुका को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सभी को। हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक अरुण भूरा जी आए, हमारी भाभी मिसेस देवेंद्र यादव जी, हमित खोकर जी, रिचा, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वहीं आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन दारुका ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस तरह की जानकारी दी। पहचाना जाता है आज यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यूनिट खोला गया। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट अपने हिसाब से बहुत ही एक यूनिक सा यूनिट है, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पेशेंटों को, एक हर पेशेंट के लिए एक मॉड्यूलर ICU की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह का यूनिट जो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए हम ये बोल सकते हैं बहुत ही यूनिक सा यूनिट है, जो जहाँ पर ऐसी सुविधाएँ शायद ही किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। और ये सुविधा सिर्फ हमने किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंटों के लिए प्रोवाइड किया है ताकि उनको इन्फेक्शन के रेट मिनिमम हो और बेस्ट से बेस्ट क्योर हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद भी दे सकें, क्योंकि सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट में, किडनी में सिर्फ ट्रांसप्लांट कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन रेट जो कम होना और मिनिमम होना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकि उसी से पेशेंट की रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। और इसको करने के लिए एक ट्रांसप्लांट ICU की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो पूरे मध्य भारत में हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है, जहाँ पे हम बेहतर से बेहतर सुविधा पेशेंटों को प्रोवाइड कर सकते हैं और जिसके कारण से ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसका जो उपचार होता है वो काफ़ी महंगा होता है, खर्चीला होता है, तो इसमें आयुष्मान जो कार्ड जिससे उपचार होता है, किस किस तरह की छूट यहाँ पर दी गई? हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर हम अपने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट में 15 महीने का टाइम हो गया है, इस 15 महीने में हमने अभी तक 8,000 डायलिसिस किया है। अगर एक आंकड़ा के सामने बताऊं, 8,000 डायलिसिस किया है। इसके अलावा ऑपरेशन हमने लगभग 5,000 किए हैं, और इसके अलावा एडमिशन हमारे पास भर्ती मरीज अबाउट 7,000 से 8,000 रहे हैं।
महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें से 70-80% मरीज हमारे पास आयुष्मान कार्ड में से अपनी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास ESI की सुविधा उपलब्ध है, CGHS की सुविधाएँ उपलब्ध है, गवर्नमेंट की सारे स्कीम हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास TPA इंश्योरेंस डेस्क है जहाँ पे 28 से 30 इंश्योरेंस कंपनी से हमारा टाइप है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी सुविधा पेशेंट को हम लोग दे सकें, जो कैशलेस हो सके या उनको जो मिनिमम से मिनिमम खर्च में हम दे सकें वो हम लोग उपलब्ध कराएं, और हम लोग अभी उस सुविधाओं को उपलब्ध करा भी रहे हैं। यहाँ पर दुर्ग भिलाई के अलावा प्रदेश के किन किन जिलों से मरीजों की आवक देखी जाती है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बीमारियाँ जो है ज़्यादा पनपती है, तो अगर आंकड़ों को देखें तो हमारे पास दुर्ग भिलाई से ज़्यादा मरीज गांव ग्रामीण एरिया से आते हैं। जैसा कि ग्रामीण एरिया में प्रॉपर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं होने के कारण ज़्यादातर पेशेंटों की किडनी ख़राब हो जाती है, तो हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो हैं भिलाई और दुर्ग के बाहर के एरिया के होते हैं, जैसा कि राजनांदगांव एरिया के होते हैं और उससे लगे हुए बॉर्डर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इसके अलावा दल्ली राजगढ़ क्षेत्र के आते हैं, कवर्धा क्षेत्र के आते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास पेशेंट छत्तीसगढ़ के बाहर के जगह से भी आ रहे हैं, जैसा कि जो एडजेसेंट बॉर्डर है जहाँ से UP के पेशेंट आते हैं, मध्य प्रदेश से पेशेंट आते हैं, महाराष्ट्र जिला के भी पेशेंट आते हैं। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम लोग एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी केयर विद मिनिमम कॉस्ट के साथ पेशेंटों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को जो घर घर देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश, सिंस मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं संदेश देना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 90% केसेस में जब किडनी डैमेज हो जाती है तब तक हमें कुछ उसका अंदेशा नहीं होता है। तो जब ये 90% तक किडनी डैमेज होने के बाद जब हमें सिम्टम्स आने होते हैं उस केस में किडनी को पूरी तरह से क्योर करना मुश्किल होता है। तो जो कुछ एक चीज़ें जिसके कारण से किडनी ख़राब होती है, जैसा कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन होना, स्टोन की समस्या को कभी भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनिशियली आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से, जो आपके अगल बगल में है उनसे मिलिए, रेगुलर चेकअप कराइए और बीमारी को स्टार्टिंग के फेज में ही अपने को कंट्रोल कर लेना है, ताकि हम उस नौबत तक ना पहुँचे कि बीमारी आपको ख़त्म कर दे। तो हम आप अपने को और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं, उनको भी बचा सकते हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस तरह का किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट दुर्ग भिलाई सहित अंचल में पहला होगा जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सेवाएं प्रदान करेगा। निश्चित ही आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संचालित इस यूनिट के चलते लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें यूनिट का स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।